हेलो, हाय एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, या सो यस वी आर आई टू वाज वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 7 मिनट्स एंड यस देयर वाज स्मॉल डिले मोस्टली बिकॉज ऑफ सम वर्क दैट वाज एक्चुअली स्टक अपॉन और वहां से मैं निकल ही नहीं पाया। आई ट्राइड माय बेस्ट बट कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए मैं वहां से निकल नहीं पाया। तो अ बिट सॉरी फॉर दो दैट डिले बट बिकॉज हम थोड़ा डिले कर चुके हैं तो तुरंत क्लास शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। राइट नाउ टाइम आपके पास भी थोड़ा सा कम बाकी है इसीलिए रादर देन वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज हम शुरुआत करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के उसके क्वेश्चन से। नंबर वन उसका नाम होगा द प्रिंसिपल्स और सेकेंड उसका नाम होगा प्रोसेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल और प्रोसेस जो है उसके साथ हम जो करेंगे वो होगा एप्लीकेशन। दोनों में मैं ये देखा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपको मिला के वो 10 से 12 हो सकते हैं। अब 10 से 12 बहुत बड़ा नंबर होता है कहने को, बट दो चैप्टर्स हैं और इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने का अबाउट। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा वॉल्यूम लो है। ओके ठीक है, मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पहले एक बार मैं ऑडियो में वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता हूँ एंड विल देन अगेंस्ट। चलो, आई थिंक द वॉल्यूम इज फाइन नाउ। आई थिंक बहुत अच्छी वॉल्यूम आ रही होगी, अब आपको बिल्कुल इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज जो है आप लोगों को क्या करना है, फटाफट जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उसको आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है, और जो आप आंसर कर पा रहे हो दैट इज वेल एंड गुड। प्लीज मेक बिल्कुल 1 2 लेके 1 से लेके 100 तक 100 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोसेस का नाम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के ऊपर और अगले 50 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे अबाउट द बायोटेक के एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आई होप यू आर ऑल ओके। तो शुरुआत करते हैं क्लास की और ये रहा पहला क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन बाय बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, क्या है इसका आंसर? चलो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या है। सो व्हाई वाज इट पॉसिबल? देखो कहने क्या चाह रहा है कि अगर कोई ह्यूमन प्रोटीन है एंड बैक्टीरिया के थ्रू ह्यूमन प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज जो कोडॉन्स ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन वो सेम कोडॉन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया में सेम प्रोटीन्स, इसीलिए पॉसिबल था कि ह्यूमन के जो जीन्स है आप उसको इंसर्ट कर दो बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया भी वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन या सेम टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसीलिए द आंसर वॉज द जेनेटिक कोड वॉज यूनिवर्सल। ओके, जेनेटिक कोड वॉज यूनिवर्सल। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोर एसिड बॉन्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन? हाइड्रोलाइज कौन कर रहा है? ये AIPMD 2005 का सवाल है, थोड़ा पुराना सवाल मैं उठा के लाया हूँ क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यस, इसका आंसर होगा एंडोन्यूक्लियस। अब देखो अगर आप बात करो इंटरनल, अगर यहां पर होता एक्सटर्नल तो आंसर हो जाता एक्सोन्यूक्लियस। प्रोटीएज ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज ये ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन, टीजी मतलब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यस, द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्टैनले एंड कोहन। स्टैनले एंड बॉयर, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट के बारे में हमने फर्स्ट पेज या फर्स्ट पेज में पढ़ा था बायोटेक के पूरे चैप्टर के ऊपर। द फॉलोइंग वन इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग हियर? एक कहते चलते हैं, दे डिस्कवर्ड आर टेक्नोलॉजी, यस वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रू। दे फर्स्ट प्रोड्यूस्ड क्लोन ऑफ डॉली, नहीं, डॉली किसने प्रोड्यूस किया, किसने एक्चुअली हाँ प्रोड्यूस ही करना चाहिए, इट वॉज डिस्कवर्ड आई नॉट सॉरी डिस्कवर्ड, डॉली वॉज क्लोन्ड। ओके, क्लोन बाय याद रखना विल्मट, ठीक है, विल्मट एंड कैंपबेल। सो विम्बल एंड कैंपबेल ने डॉली को क्लोन किया था। यस, दे इन्वेंटेड द जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय रिकॉम्बिनिंग अ फॉरेन डीएनए विद द बैक्टीरियल इकोलाई एंड आइसोलेटेड द एंटीबॉडी रिसेस जीन बाय कटिंग इट अ पीस ऑफ डीएनए। तो यस आंसर क्या होगा इसका? टू। क्यों? बिकॉज याद रखना डॉली को किसने क्लोन किया था, इट वॉज द विल्मट एंड कैंपबेल। फटाफट नेक्स्ट सवाल चलते हैं। दीज आर द थ्री बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म विद द पॉलिंग इज रॉन्ग। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसे मैं देखा हूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ के रॉन्ग और राइट साइड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये रॉन्ग पूछ रहा है। ठीक है, ये ट्रू है। क्लीविंग बाय लाइगेज, नहीं,
लाइगेज क्या करता है, लाइगेज इज नॉट लीविंग, ज्वाइन कराता है, तो आंसर हो गया टू। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा डीएनए को इन द होस्ट, एंड यू हैव टू मेंटेन देम इनटू द होस्ट आल्सो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द ट्रू फॉर प्लास्मिड। ओके व्हाट इज ट्रू फॉर प्लास्मिड, क्या है ट्रू? प्लास्मिड का बेसिक काम क्या है? प्लास्मिड हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, याद है ना, मान लो ये इसका खुद का डीएनए है, तो यहां पर जो डीएनए होगा वो होगा प्लास्मिड। सो यस दे यूज फॉर जेनेटिक ट्रांसफर, नॉट इन वायरस बट इन बैक्टीरिया। ठीक है, दे कंटेन जीन्स ऑफ वायरल एक्टिविटीज, नो, रिमेंबर दे आर नॉन एसेंशियल जीन्स एंड दे आर द मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल भी नहीं, याद रखना ये क्रोमोसोम से क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो आंसर बन गया वन, बिल्कुल आंसर बन गया वन। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम द अगरोस जेल इज कॉल्ड एस, एक्सट्रैक्शन ऑफ बैंड्स ऑफ डीएनए, क्या कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, मान लो कि यहां पर आपने यू नो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो और ये आपने चार्ज लगा दिया, यहां पर ये पूरा चार्ज आपने लगा दिया है। अब यहां पर आपने प्लेस किया है क्या, आपने डीएनए को, और डीएनए में देखो यहां पर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए जाएगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब क्या हुआ कि जो पूरा जो है डीएनए वो सेपरेट हो गया, अब आपको इस डीएनए को कहीं और पर आपको उसको हटाना है, मतलब उसको निकाले कहीं और डालना है, तो क्या करोगे, इसके ऊपर आप करोगे सदन ब्लॉटिंग। तो अगर आप डीएनए है तो आपको करना पड़ेगा सदन ब्लॉटिंग, और अगर आपको करना है सदन ब्लॉटिंग तो इस टेक्निक को कहते क्या, ब्लॉटिंग। और ब्लॉटिंग का एक और नाम होता है इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, इल्यूशन का मतलब ही होता है सेपरेशन, समझा है? क्या क्या हमने बोला, अच्छा याद रखना कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है। मान लो कि कोई भी, सॉरी, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को बनाने वाली एक्टिविटी, मेकिंग द एक्टिविटी इज ऑल अपस्ट्रीम प्रोसेस, और जब प्रोडक्ट को आप इसको सेल करते हो मार्केट में उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो सेल तक इन अ वे टू बी, प्यूरिफैक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन प्यूरिफैक्शन एंड व्हाट इट इज प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन प्यूरिफैक्शन एंड प्रिजर्वेशन, ये थ्री पी जो आते हैं वो आते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में। तो एक अपस्ट्रीम है और एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन। ओके, इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पेग इज यूज फॉर, ये क्या है भाई, पेग क्या होता है? तो पेग का फुल फॉर्म देखना चाहता है, पेग होता है पॉली, पेग होता है पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल, ये बेसिक काम आता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब मान लो कि यहां पर एक सेल है और ये इसकी न्यूक्लियस है, और यहां पर एक और सेल है और ये इसकी न्यूक्लियस है, अगर आप इन दोनों सेल को पेग के थ्रू लगाओगे तो ये दोनों सेल ऐसे और ऐसे फ्यूज कर जाएगा। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, ये होता है पैक का काम। अब इससे फायदा क्या होता है कि इससे आप किसी भी चीज को यहां से वहां तक ट्रांसफर कर सकते हो या मिक्स कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल विदाउट रिक्वायरिंग अ एक्सटर्नल होस्ट, बैक्टेरियोफेज के थ्रू कर ही सकते हो बट विदाउट एक्सटर्नल होस्ट, उसका नाम क्या दोगे, उसे क्या दोगे, पैक या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसका आंसर हो जाएगा थ्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेरेंडोम साइट, सबको पता है ये बात होता है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड्स। अब देखो व्हाट डू कॉल देम, तो अब सभी लोग इसका आंसर देंगे फटाफट, क्या मुझे पता है, वो देंगे स्टिकी एंड्स, बट है ना स्टिकी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैगर्ड एंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, नॉट टू नॉट थ्री। ठीक है ना, सो दीज ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, इसका नाम है स्टिकी एंड्स, और उसी को कहते हैं क्या, उसे को कहते हैं, उसका एक और नाम है स्टैगर्ड एंड। ठीक है, हाँ जी, बुक में नहीं है तो क्या, तभी तो मैं आपको पढ़ा, अरे एक दो लाइन तो आपको एनसीईआरटी के बाहर जाननी पड़ेगी ना, कोई आपको ऐसा भी लिख के तो नहीं दिया ना कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लाना है। हाँ, एनसीईआरटी तो आना ही है, 99% क्वेश्चन वहीं से आएगा, पर वो 1% क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी लो तो क्या मुसीबत हो गई। चलो अगला चलते हैं, द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें सवाल नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना है, इट इज डीएनए लाइगेस। ठीक है, डीएनए लाइगेस, अच्छा अल्काइल फॉस्फेट क्या करता है, इट ब्रेक्स फॉस्फेट ग्रुप, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस क्या करता है, इट ब्रेक्स डीएनए, ऐसे
एंड डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट इट एड्स एड्स द न्यूक्लियोटाइड्स, एड्स न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये डीएनए बनाता है, किसमें, इन द डीएनए रेप्लिकेशन। चलो अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, क्या होगा आंसर बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, यस बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन विट्रो, ठीक है, बिकॉज इट वॉज यूज इन विट्रो एंड हेंस इट इज पॉसिबल। चलो अगला का चलते हैं क्वेश्चन। चलो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। देखो इस तरह का जो डायग्राम होता है ना, वो मैं काफी बार देखा हूं कि वो क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। कैसे हमने याद किया था, अगर आपको याद हो, हमने याद किया था ये क्या है, पी ए पी, याद है, पाप। फिर यहां क्या है, एच ई सी, पाप एच ई सी, और ये क्या था, बी एस टी, बेस्ट। तो पाप एच ई सी बेस्ट की तरह हमने इसको याद किया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स, एम और टेटार क्या है, यस इट इज एंटीबॉडी रेसिस्टेंस जीन। ओके एक बात आपको बता दूं कि व्हाट इज आरओपी, तो आरओपी इज द इट्स इट्स कोड फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लीकेशन ऑफ प्लास्मिड। आरओपी मतलब, आरओपी क्या होता है, इट इज रेप्लीकेशन ऑफ प्लास्मिड। ओआरआई क्या है, ओआरआई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, याद है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ये है ओआरआई। और एक क्या है, हिंड थ्री और इको आर वन, ये सेटल मार्कर्स नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, बिल्कुल ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। तो आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बॉलिस्टिक या फिर जीन गन, ये क्या है भाई साहब। अच्छा जीन गन किसका टेक्निक होता है, यस मेकिंग अ सेल कॉम्पिटेंट, उसके हम यूज करते हैं जीन गन, बॉलिस्टिक्स, बिल्कुल सही। तो क्या होगा आंसर, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल, इसी को नाम दिया है हमने कॉम्पिटेंट, टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट। क्या करते हैं इसे, मान लो कि ये एक होस्ट सेल है, तो हमें अगर वाले ये डीएनए, डीएनए को इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं भाई जीन गन, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट, 13, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, क्यों यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स, फटाफट फटाफट, यस दे यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। मतलब होता क्या है, अगर आपको याद हो कि मान लो कि ये एक यू नो एक मीडिया है, इस मीडिया में मान लो कि एम्पिसिलिन है, मान लो ठीक है ना, एम्पिसिलिन है। अच्छा एक इकोलाई है, ये मान लो इकोलाई है, और इसमें मान लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, तो ये जो इकोलाई है, ये जो इकोलाई है, ये इस मीडिया में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, समझो बात को, अगर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर एक डीएनए इंसर्ट कर दिया, सॉरी ये दिख ही नहीं रहा आपको, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये दिख ही नहीं रहा आपको, मैं एक बार इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, फिर से ऊपर ले आऊंगा, एक सेकंड प्लीज। अब देखो अब दिख रहा होगा आपको बड़ा क्लियरली। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे अगर आपने इसमें डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा इंसर्शन इनएक्टिवेशन से इनएक्टिवेट हो जाएगा, उस केस में अब ये जो है ये नॉट ग्रो हो जाएगा। तो इससे क्या किया, आपने किसी को इंसर्ट करके आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि वो जो सो कॉल्ड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, उसमें कोई जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसे कहते हैं यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का नंबर जरूर बताना आप, ताकि आप उसको हम डिस्कस कर पाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 14, क्वेश्चन पढ़ने का समय दिया जाए बेटा, थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा ताकि आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर पाओ। इस क्वेश्चन को देखो, चलो आपके लिए समय दिया, थ्री स्टेप्स है एबीसी पीसीआर के, ऑप्शंस गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बताओ। सो क्या है ये, यस आंसर इज फोर, सी एक्सटेंशन है, ध्यान रखना ए इज नॉट एनिलिंग, ठीक है ना। एनिलिंग क्या होता है, एनिलिंग में जब सबसे पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन, सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन, उसके बाद क्या होता है एनिलिंग, और फिर क्या होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट डीएनए पॉलीमरेज, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस में होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनिलिंग, और फिर होता है एक्सटेंशन, यस।
अच्छा स्पीड ठीक है या फिर और स्लो करनी है स्पीड, बिकॉज ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, फटाफट बताओ मुझे कि स्पीड ओके है, स्लो चले या फास्ट चले, ओके है स्लो चले या फास्ट चले, इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज अ पैलिंड्रोम? तो पैलिंड्रोम इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो सब कुछ सेम है, कौन सा है घटक सटाक, और कौन सा इसको एक्ट करता है? एशरिशा कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई। क्वेश्चन 13 का ए होगा, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? One possibility I see is सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ऑल गुड। नहीं, एंटीबायोटिक, सॉरी एंटीबायोटिक इंजेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट यूज टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंफेक्शन, वो काम इसका नहीं है। वो काम किसका है? वो काम है प्रिजर्वेटिव का, वो काम है, ये जो काम है ये प्रिजर्वेटिव का काम है। चलो सारे बच्चे फास्ट ही बोल रहे हैं, चलो तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 16 बताओ, सो इसका आंसर क्या है? इको आर वन में को क्या है? कोइस, यस कोलाई, सिंपल क्वेश्चन है, सौ इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट एक जगह को बता दूं फटाफट। ई क्या है यहां पर? एशरीशा, ये है कोलाई। आर क्या है? आर क्या है इसमें? आर इज द रफ स्ट्रेन, है ना, आर इज द रफ स्ट्रेन, ये रफ स्ट्रेन है, और ये जो वन है ये ऑर्डर है, इन विच दिस एंजाइम्स फॉर आइसोलेटेड, एंजाइम्स फॉर आइसोलेटेड, नहीं वो एलेक्सा नहीं थे वो सीरी थे, है ना। अच्छा चलो, गिवन बिलो इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? घटाक और सटाक क्या है ये? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इधर से उधर चलो, इट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग गिवन टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या होगा? इट इज जेनेटिकली इंजीनियर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वॉज पॉसिबल बाई, यस द राइट आंसर इज, इट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए टेक्निक्स, बिल्कुल सही। ओके ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर्स इन अ फेड बैच ऑफ फर्मेंटेशन इज ड्यू टू, अब करना क्या होता है? देखो जब कोई भी चीज फर्मेंट कर रहा होता है तो शुगर को ब्रेक कर रहा होता है, तो अगर आप लगातार शुगर डालोगे तो जो बैक्टीरिया है वो शुगर को ब्रेक करेगा, उसको यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपको लगातार लगातार शुगर जो है वो डालते रहना पड़ेगा, ओके लगातार आपको शुगर डालते रहना पड़ेगा, तो इससे क्या फायदा होगा? इट इज एक्चुअली हेल्पिंग टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, क्यों? बिकॉज जो इकोलाई है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा, वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसको एक तरफ से शुगर मिलेगा, शुगर को वो ब्रेक करेगा और यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर्स फॉर एंटीबायोटिक, ऑप्टेनिंग एंटीबायोटिक्स, टू ऑप्टेन वॉट? टू ऑप्टेन द एंटीबायोटिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वीड फाइंड्स यूज इन, कहाँ यूज करते हैं? सबको पता है जेल एक्टोफोरेसिस में यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। द टैप पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम, ओके द टैप पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम, उसी के ऊपर क्वेश्चन था, यस इट इज थर्मस एक्विटिकस। अच्छा सिडोमोनास प्रोटीटा का काम क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ऑयल को ब्रेक करता है, कहां पर? अगर सी में, अगर सी में बिल्कुल ऑयल बिल्कुल बाहर चला गया, तोड़ने का काम आता है सिडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है। चलो द फॉलोइंग इज द रेस्ट्रिक्शन एंड द न्यूक्लियस, कौन है इसमें से बताओ, जल्दी फटाफट करेंगे टाइम कम है हमारे पास, यस इट इज हिंड टू, बिल्कुल एच हेमोफिलस, IND इज द इन्फ्लुएंजी, फिर डी इज द स्ट्रेन, और वन एंड टू इज द ऑर्डर इन विच इट वॉज एक्सट्रैक्टेड, इन टू वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड एस, क्या कहते हैं इसको? यस इट इज द वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? मतलब मान लो कि ये एक डीएनए, ये एक यू नो बैक्टीरिया है, और इसमें हमने डीएनए को यहां पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको जो है हम ई कोलाई के अंदर डाल रहे हैं, तो ये है वेक्टर और ये है फॉरेन डीएनए, ठीक है। और ये कौन है? ये है होस्ट। कैसे डालते हैं? बाय मेकिंग इट कॉम्पिटेंट। अब आपको सब कुछ याद आ गया होगा, ये पूरी प्रोसेस होती है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिग्री ऑफ, यस सिंपल आंसर है इसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। चलो
Which vector can clone only a small fragment of DNA? क्या होगा? Which vector can clone only a small fragment of DNA? इसका आंसर बताओ, थोड़ा सा ये ट्रिकी है क्योंकि इसके थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज पता होना चाहिए. देखो सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो है वो कौन है? इट इज कॉस्मिड. ठीक है, कॉस्मिड ये सबसे लार्जेस्ट होता है. ये होता है 45 किलो बेस पेयर का, अराउंड 45 किलो बेस पेयर. अब किलो मतलब क्या होता है? 45 × 10³. ठीक है, प्लास्मिड जो है वो बहुत छोटा होता है, ये अराउंड 10 किलो बेस पेयर के लिए ठीक होता है. ओके, 10 किलो बेस पेयर के लिए ठीक होता है. अच्छा, जो याक और बैक है ये भी काफी बड़ा होता है. इनफैक्ट जो याक है, यीस्ट वाला, वो सबसे बड़ा होता है. वो होता है 1 मेगा बेस पेयर, 1 × 10⁶ बेस पेयर के काम आता है जो याक है. और जो ये बैक्टीरियल एंजाइम्स है वो होता है अराउंड 300 to 500 किलो बेस पेयर्स. तो सबसे बिगेस्ट कौन है? वो है ये वाला, याक वाला. तो क्वेश्चन यहां पर है, ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट डीएनए के लिए कौन काम आएगा? तो आंसर हो जाएगा प्लास्मिड, बिल्कुल वो छोटा होता है. अब इसका मतलब क्या है? देखो जो डीएनए जितना बड़ा होगा, मान लो कोई डीएनए इतना बड़ा है तो इसके अंदर इतनी बड़ी डीएनए आप ऐड कर सकते हो, पर मान लो किसी का साइज इतना छोटा है तो उसमें डीएनए इंसर्शन भी छोटा सा हो जाएगा. तो ये प्लाज्मिड है और ये वाला याक है, बिकॉज तो साइज बड़ा है तो बड़ा डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर देता है. सबकी साइज आपको याद रहनी चाहिए. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. द डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय द रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, क्या होगा आंसर? यस, इट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. और व्हाट इज द बेस ऑफ सेपरेशन? बेसिस क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है. बेसिस है दो चीज, चार्ज और मास. चार्ज और मास याद है सबको, बाकी सबका फंक्शन याद होगा. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? ये सेपरेट करता है, बट किससे सेपरेट करता है? ओनली By mass. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग नाम का कोई चीज नहीं होता, ये गलत टर्म ही गलत है. और पीसीआर क्या करता है? ये एम्पलीफिकेशन करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27. द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैश फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स. आंसर बताओ फटाफट फटाफट. यस, इट इज एल्गिली मिथाइलेस. ठीक है, यस, ये सब सही है. बैक्टीरिया के लाइसोजाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ है. फंजाई के लिए काइटिनेस और सेलुलेस इज यूज फॉर द प्लांट सेल्स. ठीक है, अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉलोनीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट. ये वाइट है और ब्लू है इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ. तो ये जो ब्लू और व्हाइट है वो क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, बताओ क्यों होता है? Yes, it is due to, याद रखना कैसे इसका हम याद किया था हमने. मान लो ये जो है ये एक सो कॉल्ड वेक्टर है और वेक्टर में लगा हुआ है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेस. तो जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक्टिव है तो ये करता है ब्लू इन कलर, राइट, ये ब्लू कलर देता है. बट अगर मान लो इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेस के अंदर, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के अंदर अगर मान लो कोई भी एक जीन हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लू कलर नहीं देगा और ये हो जाएगा व्हाइट इन कलर. तो आंसर क्या होगा? Insertional inactivation of the beta galactosidase. ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा टू. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर. फटाफट बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर. डीएनए पॉलीमरेज कहां से निकला है? टैक पॉलीमरेज कहां से निकला है? बैक्टीरिया से निकला है, तो यह तो हो नहीं सकता. इट रिमेन्स एक्टिव एट टेम्परेचर, बिल्कुल बिल्कुल सही है. यूज टू लाइगेट, लाइगेशन कोई काम नहीं है. लाइगेशन काम किसका है? वो काम लाइगेज का है. एंड सर्व एज सेटेबल मार्कर, नहीं, सेटेबल मार्कर कौन होता है? अगेन मैं बता रहा हूं, वो ऐसा एक कोई डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जो कि कभी भी डीएनए के अंदर जाने से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसे कहते हैं सेटेबल मार्कर. ये आंसर हो जाएगा टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए to be bombarded with gene gun is made up of, direct question hai from the NCERT. Kiska bana hota hai? Very good. It is made up of gold or tungsten. Bahut hi high velocity, yaad rakhna, bahut hi high velocity coated hota hai of gold or tungsten. Uske through bombard karte hain, to jo DNA hai wo cell ke andar jata hai. Ye property kiski hai? Ye to make a cell competent. Sabko yaad hoga, to make a cell competent.
अब क्या बोल रहे हो, 28 में क्या हो गया बच्चे? क्वेश्चन 28 में ऑप्शंस क्या गड़बड़ हो गया भाई? यस, इट इज ड्यू टू इंसर्शन एंड एक्टिवेशन. ठीक है, इंसर्शन एंड एक्टिवेशन. चलो, द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर क्लोनिंग वेक्टर इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स, बताओ. क्या होगा इसका आंसर? यस, इट इज रेट्रोवायरस. ध्यान रखना कि रेट्रोवायरस यूज होता है एनिमल्स में, और अगर सेम काम करना है प्लांट्स में, उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. हमेशा याद रखना, रियो वायरस, रियो आ सकते हैं, रेट्रोवायरस सेम ही चीज है. तो रियो या रेट्रो, ये काम आएगा एनिमल सेल के अंदर, और अगर सेम होता प्लांट सेल के अंदर, तो आपका आंसर होता एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, या फिर टी आई जीन, या फिर टी आई जीन. अच्छा, अल्फा है. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया होगा मुझसे, वेरी सॉरी. ओके, हाँ, सॉरी, अल्फा नहीं, बीटा होना चाहिए, बट क्योंकि अब ये ऑप्शन ऐसा है तो हम और कुछ कर भी नहीं सकते. ठीक है, तो यस, आप वेरी, बहुत अच्छा पकड़ा आप लोगों ने. इसका आंसर जो है वो वैसे तो टू होगा, बट यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये एक्चुअली बीटा करेक्ट साइड होना चाहिए, ये अल्फा नहीं होना चाहिए. वेरी वेरी गुड, वेरी करेक्ट, ये बीटा होना चाहिए. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, आई एम वेरी सॉरी. ठीक है, तो ये मैं एडमिट करता हूँ, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने सही पकड़ लिया, है ना, कहते हैं ना, सही पकड़े हैं. चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छा. द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस, कौन सा है? इट इज फोर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस आर एंजाइम्स विच? रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, क्या ये? इट मेक्स कट इन द स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ द डीएनए एंजाइम्स. ठीक है, ओके. अगला क्वेश्चन क्या है? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या करता है भाई साहब? ये अगर एक टैंक है, उसके अंदर घुमाते रहता है ताकि ताकि देर इज, यस, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस. प्योरिफिकेशन कोई रोल नहीं है, प्रिजर्वेशन का को कोई रोल नहीं है इसमें, एंड एंश्योरिंग एयर अभी कंडीशन का तो बिल्कुल ही रोल नहीं है, बिकॉज इसका बेसिक काम ही है कि स्टर्ड करो या स्पार्क करो. स्पार्क्ड, अगर आप देखो कि स्पार्क जो है वो बेटर है कंपेयर टू स्टर्ड टैंक, बिकॉज स्पार्क में एयर बबल्स निकलते हैं. उस एयर बबल के निकलने से क्या होता है, वो एयर बबल का सरफेस एरिया बढ़ाता है, और वो सरफेस एरिया से पूरा पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है पूरे पूरे मीडिया के अंदर. तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेटर फॉर ऑक्सीडेशन, आपका आंसर होना चाहिए स्पार्क्ड, नॉट स्टर्ड. ठीक है, ओके. द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग, बताइए फटाफट फटाफट. हां जी, आंसर इज प्लास्मिड्स. बताया था आपको, प्लास्मिड, कॉस्मिड्स, याक हो, बैक हो, और सबका जो केवी है वो मैंने आपके 2-3 क्वेश्चन के पहले लिख चुका हूं, ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना है आपको. अगला क्वेश्चन. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, अ डीएनए सेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट थ्रू अ वेक्टर. सबको पता ऐसे ही होता है. कंसिडर द फॉलोइंग 4 एजेंट्स ए टू डी इन द रिगार्ड, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दीज कैन बी यूज एज अ वेक्टर और वेक्टर्स. क्या है ये बताओ? इट इज, यस, इट इज प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफाज. ये दोनों ही काम आते हैं, ऑब्वियसली इन दोनों का कोई काम ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, करेक्टली आंसर, सही बोल रहे हो, बी एंड डी. ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है? सबको पता है, इट इज सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द साइज. पर ध्यान रखना कि साइज प्लस चार्ज, ये दोनों काम आता है फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज अगर सिर्फ साइज होगा तो साइज के अकॉर्डिंगली कौन सेपरेट हो रहा है भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेपरेट हो सकता है. तो साइज प्लस चार्ज बेटर आंसर, या अगर ऑप्शन में है तो आप उसको चूज करना कंपेयर टू दिस वन. ठीक है, चलो. द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ, अगर लिंक कर रहा है मतलब ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन करने के लिए लाइगेज ही यूज करते हैं. अगला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका मेन काम क्या है? कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं.
इसमें दिमाग लगाना, ये वाला क्वेश्चन इसमें तो टाइम दूंगा आपको, आप सॉल्व करो क्या होगा बताओ। वेल, जेनेटिक इंजीनियरिंग वॉज बेस्ड अपॉन एग्रोपैनोटिफिकेशन टीआई जीन और ई कोलाई। क्यों? ई कोलाई वॉज यूज एज अ होस्ट, ई कोलाई वॉज यूज एज अ वेक्टर, याद है ना, PBR B32, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1, 40 का आंसर 1, ओके 41। चलो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर क्या होता है, इट इज पहले डीनेचर करेंगे, चौमे बनाएंगे याद है ना, फिर क्या करेंगे एनीलिंग करेंगे, इसमें हम प्राइमर को लगाएंगे, इसे एनीलिंग कहते हैं, और फिर क्या करेंगे एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंशन कर देंगे इस तरह से, यह पीसीआर का सर, डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहां यूज होता है, डिनेचुरेशन में 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, फिर एक्सटेंशन में और फिर अनिलिंग में, ठीक है। चलो अच्छा टेम्परेचर बताओ मुझे, तो तीनों का टेम्परेचर बताओ, देखते कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे, तीनों का टेम्परेचर बताओ, तीनों का मतलब डिनेचुरेशन का, एक्सटेंशन का, अनिलिंग का और एक्सटेंशन का। अगला क्वेश्चन, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, क्या होगा आंसर, इट इज अ जीन हुज एक्सप्रेशन क्या है, आंसर इज यस इट शुड बी सेलेक्टेबल मार्कर। अगेन समझो, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ऐसा कोई भी, समझो बात को, ऐसा कोई भी जीन जो कि किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, सो दैट उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ, वो है सेलेक्टेबल मार्कर। जैसे एग्जांपल में कि मान लो कि मैंने घड़ी ऐसे पहन ली, अब मान लो कि 15 बच्चे खड़े हैं तो आप मुझे पहचान लोगे कि भाई ये तो है ही एक नंबर का, क्योंकि इसने घड़ी यहां पहनी है। तो क्या हो रहा है कि ऐसा कोई भी जीन में ऐसा कुछ इंसर्ट हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए तो उससे चेंज आने को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, या फिर उसे कहेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसे कहेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, इसके पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द टेम्परेचर्स, 90 to 95, 55 और फिर 72। बहुत बहुत सही आंसर दिया बच्चों ने, बहुत बहुत सही। चलो अब क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर क्या, ये नेगेटिवली चार्ज, सबको पता है क्यों, इसे फॉस्फेट बॉन्ड होता है, ओपीओ बॉन्ड, और ओपीओ बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज होते हैं। कुछ भी आपको समझा दो, पर समझ आने चाहिए। अगर आपको देखो ये है ना, ये समझ में आपको याद रहेगा, ठीक है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट फ्रॉम द एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद क्या होगा आंसर, यस इट इज इथिनियम ब्रोमाइड। याद रखना, इथिनियम ब्रोमाइड जो डाई है वो डीएनए को स्टेन करता है, और तब जब आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो अंडर द यूवी लाइट्स, आपको यूवी लाइट के अंदर देखना पड़ेगा, ये आपके आंखें इतनी चौखाचौंध होके नहीं देख सकती इसको, ठीक है। चलो अगला, द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन अग्रोस क्या है, इट इज, याद है आपको मैंने एग्जाम्पल देता कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको, कि मुझे दौड़ा दो और दौड़ा दो अमन भैया को, कौन पहले पहुंचेगा, मुझे लगता है मैं पहुंचूंगा, अभी रेस में दौड़े नहीं है पर मुझे लगता है मैं पहुंचूंगा, क्यों, मैं हूं पतला सा तो भागूंगा दूर, भूलोगे नहीं, जो मुझसे पढ़ता है भूलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 46, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या है, ये घुमाते रहो क्यों, ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल रहे हर जगह, बट अगर क्वेश्चन आता है स्पार्क्ड तो स्पार्क इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू स्टर्ड। ओके, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कैन बी जॉइन, जैसी आ गया ज्वाइनिंग वर्ड तो क्या होगा आंसर, सोचना ही नहीं है, डालो लाइगेस। ठीक है, चलो अगला, 48, द फॉलिंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। याद रखना, डाउन स्ट्रीमिंग में आपको मिलती है तीन तरह के पी, ठीक है, प्रिजर्वेशन, प्यूरिफैक्शन और सेपरेशन वाला यहां पर पी, ठीक है, तो तीन पी होंगे।
3P, जो 3P है ये है पूरा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। मैं आपको बताया था अगर कोई प्रोडक्ट है, जब तक आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसे अपस्ट्रीम कहते हो, जब इस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज करोगे सेल करोगे उसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस अ ब्लंट एंड्स। अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है कि बिल्कुल टफ, ये जो क्वेश्चन बड़ा इजी नहीं था, और इसका आंसर क्या है, इट इज इको आर वी। तो इको आर वी भी एक तरह से गटाक सटाक को काटता है, पर वो कैसे काटता है देख लेना, कि इट इज GATTC और इसको उल्टा करेंगे तो CTTAG। ठीक है, अब क्या होगा, जो इको आर वन होता है वो यहां और यहां काटता है, ये इको आर वन की प्रॉपर्टी है। बट ये जो आपको इको आर वी है, जो इको आर वी है वो काटता है बिल्कुल बीच में, कहां पर, इधर और इधर में। तो क्या प्रोड्यूस होगा, GATT और TC, यहां पर CTT और AG, ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे कहेंगे क्या, ब्लंट एंड। अब ये टफ क्वेश्चन है, बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अगला, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लास्मिड्स। क्या होगा, नॉट अ फीचर, प्लास्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया एंड हैज इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। इसका रेप्लिकेशन ऑफ द नॉर्मल या फिर द ओरिजिनल जीनोम से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इट शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड। इट इज नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के पास। पार्टिकुलेट के प्रिंसिपल्स के बचा देंगे, ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। शुरुआत कर रहे हैं तो पानी वानी पी लो आप लोग, पानी वानी पी के रेडी रहो, अभी शुरुआत करते हैं। मॉडल बेसिस का वन शॉट मैं ले चुका हूं, उसको वॉच कर लो, एक ही चीज को मैं पढ़ा चुका हूं उसको एक बार प्लीज देख लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर यू। चलो शुरुआत, पानी ने पी लिया, रेडी 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो Cry1, एंडोटॉक्सिन्स क्या है भैया, ये ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिजेनेंसिस। Cry1 कहां पढ़ा था, Cry1 हमने, यस, फॉर बॉल वर्म्स याद है, Cry1AC, Cry2AB याद रखना, 1AC 2AB, ये L2 है और ये B था, तो मैंने आज क्राई कैसे याद कराया था आपको, डबल L के साथ, बॉल वर्म्स था ये, बॉल वर्म्स। हाँ जी, पहले आपके डाउट सॉल्व ही कर देते हैं सर, नो पानी ओनली क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया, अरे बहुत शानदार। चलो तब तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, बच्चे सुधर गए मेरे। व्हाट इज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, क्या होता है एंटी सेंस। अब देखो, एक मान लो एक कोई भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि वो आरएनए है, ठीक है ना। अब ये जो आरएनए है ये सेंस आरएनए है ना, ये सेंस आरएनए है। अब क्या हुआ कि आपने एक बाहर से आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, आपने क्या किया, एक बाहर से आरएनए जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है वो इंसर्ट कर दिया, तो वो यहां जाके चिपक गया। अब ये था सेंस, तो ये हो जाएगा एंटी सेंस। सेंस और एंटी सेंस जो है वो आपस में जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिया, अब ये बन गया डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो क्या ये कोई प्रोटीन बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा सर, इसे कहते हैं एंटी सेंस आरएनए। तो व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इज यूज टू स्टॉप द बेसिक थ्योरी, इट इज कॉल्ड एज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल समझ गया हो गया। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीएम क्रॉप्स क्या है, ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंस क्यों यूज करोगे भाई। द मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एलिमिनेट वीड्स, बिल्कुल सही, टू एलिमिनेट वीड्स विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। चलो अगला क्वेश्चन, ऑयल स्पिल्स बताओ बताओ, यस, सुडोमोनास पूटीडा, चक्रवर्ती साहब ने इसको खोजा था, याद होगा सब लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस क्या काम आता है ये,
गोल्ड देख के आंखें चौंधिया आती है, बताया ना मैंने आपको। तो वाइटामिन ए डेफिशिएंसी को कम एलिवेट मतलब कम करना, क्योंकि ये वाइटामिन ए फोर्टिफाइड होता है। गोल्डन मतलब आंखें चौंधिया जाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्सिन क्राई 1AC एंड 2AB। सेम क्वेश्चन आ गया, टू और यहां पर भी बी है तो क्या होगा, बॉल वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नॉवल, क्या क्यों काम आया है, फटाफट फटाफट। सेवन, इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, बिकॉज बीटी जो पैसे आपको याद होगा कि ये करता है स्पोरिसाइडल एजेंट। ओके तो जो स्पोरिसाइडल है ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये स्पोर्स बंदर जाते हैं किसी भी सो कॉल्ड इंसेक्ट के, तो इंसेक्ट के अंदर जाके वो सोलबलाइज कर जाता है। क्यों, बिकॉज उसका अल्कलाइन गट होता है, अल्कलाइन गट के अंदर वो सोलबलाइज कर जाता है और वो जाके उसके जो गट के सेल्स हैं उसमें छेद कर देता है और उससे पानी वानी जो अंदर घुस के उसको फुला के अल्टीमेटली उसको फोड़ देता है। ओके दिस हाउ वी हैव रेड अबाउट दिस, तो कहते हैं बीटॉक्सिन इट इज बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। अगला, हाउ इज बीटॉक्सिन नोन टू किल द टारगेट इंसेक्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन प्लांट्स, अभी इसमें बताया था कैसे होता है बाई, इट इज यस मिडगट सेल स्लाइसिस एंड स्वेलिंग। याद होगा आपको वापस याद रखना कि बीटी जो है वो इनसॉल्वल होता है, फिर वो गट के अल्कलाइन पीएच में सोलबलाइज होता है, सोल्यूबलाइज होता है, याद रखना ठीक है। इसके बाद जो सेल्स हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स क्रिएट करता है, यहां से पानी अंदर घुस के और ये पूरा पूरा फट जाता है, ब्रूम फट जाता है। चलो अगला, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिजेनसिस कौन सा था, ऑब्वियसली बीटी होगा, कौन सा, आंसर इज यस क्राई 1AP। कॉर्न बोरर के लिए 1AB होगा, कॉर्न बोरर के लिए 1AB होगा ठीक है, ध्यान रखना। और बॉल वर्म के लिए, अगर क्वेश्चन था बॉल वर्म तो उसके लिए 1AC और 2AB याद रखना जरूरी है, नहीं तो भूलोगे तो गड़बड़ मत करना, याद रखना है इसको। ओके टेंथ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैसिलस थुरिजेनसिस आर करेक्ट। देख लो बीटी के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिसने जिसने बीटी के बारे में नहीं जानते हो वो मेरी वीडियो अभी इस क्लास खत्म हो जाने के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, उसमें से कोई भी आपके पसंदीदा उठा लो और बीटी के ऊपर और मेलानिया इनकॉग्निटा के बारे आप अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन आना तय है, रिकॉर्ड कर लो मुझे तय है 100% आएगा इसके ऊपर। क्या इसका आंसर बताओ, चलो वन टॉक्सिन्स इज थुरिसाइड, बिल्कुल बिल्कुल सही, टॉक्सिन एक्यूमुलेट्स इनसाइड द बैक्टीरिया ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, व्हाट डू से, यस बिल्कुल सही है। अपॉन इंजेक्शन बाय ससेप्टिबल इंसेक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म एंड किल देम बाय इनहिबिशन ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट इन द मिडगट, बिल्कुल बिल्कुल सही। एंड प्रोटीन्स एंकर्ड बाय क्राई 2AB फॉर कॉर्न बोरर, बिल्कुल नहीं, याद रखना अगर है कॉर्न बोरर, अभी यहां क्वेश्चन भी आता कॉर्न बोरर के लिए क्या है, 1AB है, 2AB नहीं है, 2AB किसके लिए, कॉर्न वर्म के लिए, बॉल वर्म के लिए सॉरी ठीक है ना, कॉर्न बोरर के लिए क्या है 1AB, अगर 2AB है ये बॉल वर्म के लिए, कैसे याद किया, यहां 2 है और यहां भी 2 है, बॉल वर्म। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूलर प्रोब, बोल क्या रहा है भाई साहब ये, अरे क्या बोलना चाह रहे हो ये, ठीक है ये डीएनए है। अब डीएनए में हमने क्या किया, हमको पहचाना है कि डीएनए कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक फॉरेन डीएनए उठा के ले आएंगे, ये देखो ये है फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो इसके होगा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने हम लगा देंगे एक फ्लोरोसेंस, ऐसे ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस बड़ा सा, अब ये जो पूरी चीज है वो यहां के चिपक जाएगी, जब चिपकेगी तो कलर देगा, इसे कहते हैं प्रोब, ये है प्रोब। तो प्रोब है शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेक्स। अगला क्वेश्चन, अब बनाओ मैं इधर ब्रेक इस वाले इसमें एक चादर लगा लेता हूं फटाफट।
जैसे हम नहीं मानते बिना खाने के, मेरा चार्जर्स के बिना ये भी नहीं चलता। तो चलो जी, क्या था इसका आंसर? टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू द निमाटोड। क्या होगा इसका आंसर? ये तो बता चुके थे। इसका आंसर क्या था? आंसर क्या था इसका? इसका आंसर प्रोब था, राइट? ये प्रोब है। अब अगला क्वेश्चन, इट इज President nematode has discovered an induction of the DNA that produces in the host cell. So, क्या होगा? 12 का आंसर 1. Very, very good. Sense and antisense. तो basically क्या है? जो भी उस so called organism का जो RNA है, उसको हम sense मान लेते हैं, और जो हम अंदर से insert कर रहे हैं उसके अंदर, हम उसे antisense मान लेते हैं। तो ये sense और antisense की पूरी कहानी है जो कि कर रहा है। तो sense and antisense. अगला चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ, बताओ किसका है मैक्सिमम? इट इज थर्टीन का आंसर। सी, अच्छा माइस, ओके। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए एंड डी, सडन मिस्टेक्स इन टू ऑफ देम, बताओ कौन सा मिस्टेक है इसमें? एक मिनट, थोड़ा सा ये लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट करेक्ट इट। One second, please, हाँ? एक ये लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार इसको मैं ठीक कर लेता हूं, आप आंसर बताओ मुझे। यस, चलो, इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज हैविंग अल्फा लैक्टोबोमिन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड, रिजन एंजाइम यूज टू आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल भी नहीं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या कहते हो? यस, बिल्कुल सही। This unpathogen vectors are also used to transfer our DNA into the host. What do you say? What about this? क्या होगा? This is also looking as true. So देखो, C और D बिल्कुल true है, B बिल्कुल false है। अब हम आते हैं A के ऊपर। Yes, it is not a buffalo, it is a cow. देख लो कितने उसने एक ऐसा वर्ड पकड़ा है कि उसने बफेलो काउ कर दिया है। अब इसको कोई गोट कर सकता है, कोई शीप कर सकता है। तो हर एक वर्ड का मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन। मतलब व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन वंस, अभी जैसे मैंने पढ़ा, तो देखो मैं भी गलत कर गया। अब ठीक है, अभी गलत करना फिर भी ठीक है, बट अगर मैं यही गलती करता नीट में तो मेरा तो चार नंबर चला जाता, ठीक है। तो यस, तो कभी कभी देखो गलतियां होती हैं, बट इस गलती को वापस नहीं करेंगे, ये मैं भी प्रॉमिस करता हूं आपको और आप प्रॉमिस करोगे मुझे, ठीक है। तो आंसर होगा ए एंड बी। हाँ जी, ए इज रॉन्ग, काऊ था सर, बफेलो नहीं था, मेरे से गलती हुई है, आई एग्री, ठीक है ना। पर अगली बार मैं इसको नहीं करूंगा, यह भी आपको प्रॉमिस करता हूं। चलो, पैसेस थ्रू जेनेसिस फॉर्म क्रिस्टल्स विच कंटेन इनसेलुलर प्रोटीन्स, दिस प्रोटीन क्या करता है? यस, इट बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल ऑफ द गट। हेलो, आप कोई काउ का फोटो भेज रहा है, हाँ भैया काउ है, बफेलो नहीं है, गलती हो गई। साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए इज यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स, क्या ये रेजिस्टेंट टू? साइलेंसिंग करने के लिए क्या चाहिए? इट इज नेमेटोड्स। और ये साइलेंसिंग टेक्निक क्या है? व्हाट इज दैट? देखो, मान लो, अगेन मैं बता रहा हूं, मान लो ये सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए था और आपने क्या किया, आपने बाहर से एक आरएनए इसके ओके ले आया, अब ये मिलके बन गया डबल स्टैंड आरएनए,
तो अब ये जो है वो बनाएगा नो प्रोटीन। नो प्रोटीन का मतलब ये साइलेंस हो गया। इस साइलेंस को करने के लिए आप एक और टेक्निक यूज कर सकते हो, वो है क्या, एस आई आर ए डाल के, एस आई आर ए डाल के वो भी कर सकते हो, वो होता है द साइलेंसिंग टेक्निक। ये यूज होता है नेमेटोड के ऊपर, कौन सा, मेलानिना इग्नोशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, क्या होगा आंसर, इट इज नेमेटोड्स, करेक्टली आंसर, यस, मेलानिना इग्नोशिया। द जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल वॉज डेवलप्ड फॉर, कोई भी ऐसे जीएम को डेवलप क्यों किया गया था, फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ध्यान रखना हमेशा। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन यूज सक्सेसफुली फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या, अब इसमें काउ बफेलो मैं ठीक से पढ़ने वाला हूं इसको क्योंकि मैं गलती कर चुका हूं। एनिमल्स लाइक बुल्स हैविंग सुपर पावर, नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम कैस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, टेस्टिस को तोड़ देते हैं। ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग फॉर पोलियोवैक्सीन, बिल्कुल बिल्कुल सही। ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर न्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ सर्टेन कार्डियक डिजीजेस, कार्डियक के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। एंड ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूसिंग हाई फैट मिल्क, नहीं फैट नहीं था, क्या था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन था, तो आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। तो देख रहे हो कि जब मैंने इसके पहले जो गलती करी थी वहां पर मैंने समझ लिया कि अब जब रोजी आएगी वो काउ है, इस क्वेश्चन में ध्यान दिया। इस तरह से आपने भी जो भी आप गलती कर रहे हो ना उसको प्लीज प्लीज वापस आप उसको रिपीट नहीं करोगे, ये प्रॉमिस अपने आप को करो, मुझे तो करोगे ही, ताकि आप मुझे गुड न्यूज दोगे इन द डेज टू कम। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ द बीटी कॉटन आर, क्या भैया, इट इज यस हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉल वर्म्स, बिल्कुल सही। ओके अगला क्वेश्चन, द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइको फॉस्फेट, सॉरी ग्लाइफॉस्टेट आर रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट टू, क्या होगा आंसर, यस हर्बिसाइड्स, ठीक है हर्बिसाइड्स। ओके इन बीट ऑक्सिन द बीट ऑक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, कैसे कन्वर्ट होता है, बाई द अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट कट, बिल्कुल। ओके जीएम रिसर्च के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, इट इज जीईएसी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ग्याक, ठीक है। अगला 24, इन विट्रो क्लोन प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा आंसर, इट इज प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, मतलब आपको इंक्रीज करना है, प्रोपगेशन मतलब इंक्रीज करना है, और इंक्रीज का मतलब एम्पलीफाई करना है, तो कैसे करोगे, बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा द कॉमनली यूज वेक्टर्स फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग आर, क्या है, बैक एंड यैक, बैक एंड यैक, ये हम पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 26, द फर्स्ट हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहला कौन था, यस इंसुलिन। अब आप मुझे बताओगे इन द चैट कि इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया था, वेरी गुड, एली लेली ने किया था, बहुत बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ओके द एनालिसिस ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, बताओ बेटा, अभी बीच में नहीं, बीच में अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अभी सिर्फ आप आंसर करोगे मुझे। 27, इट इज पीसीआर, बिल्कुल डज नॉट यूज, है ना, पीसीआर को यूज ही नहीं है उसमें, किसे सर मानने किसके करते हैं, डीएनए के लिए करते हैं। ओके द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स, एक्चुअली आजकल तो आप सारे बीटी देखते हो, बट सबसे पहला कौन था, कॉटन था, ये था फर्स्ट। तो अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आज आएगा, मतलब 2021 में आएगा, तो इसमें होगा ऑल, पर ये भी क्वेश्चन आया था 2014-13 में, शायद के क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर उस समय कॉटन वाज द राइट आंसर। मोशन सिकनेस है तो क्या करूं भाई,
सिकनेस है तो एच वन एंटेगोनिस्ट सिनरजिन ले लो, उससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सिनरजिन नाम का दवाई आती है, बट ये सब मुझे यूट्यूब में नहीं बोलना चाहिए, वो आई थिंक बेटर होगा आप क्लिनिक में आएंगे तब बात करेंगे। कंजम्पशन ऑफ विच द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस। विटामिन ए किसको देख के चौंधे आती है? द गोल्डन, गोल्ड को देख के, बिल्कुल सही आंसर है, गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, सबसे पहला कौन सा ट्रीट किया गया था? इट इज वेरी गुड एडेनोसिन डीआमिनेस। इससे कौन सी बीमारी होती है? स्किड। और स्किड का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। अच्छा अगला, चलो 31, ओके। द डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज, ये आई थिंक सॉल्व कर चुके हम, ये होगा प्रोब। एन इंप्रूव वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस कौन है? इंप्रूव वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, हु इज इट? इट इज यस कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ पैट, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इट्स अ टाइप ऑफ बासमती राइस जहां पर बीटा कैरोटीन भी डाल दिया गया है, तो ये विटामिन ए का सोर्स लेके और अच्छा हो जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय पैथोलॉजी प्रोसीजर्स। निकोटीन, इसको क्यों प्रोड्यूस करना भाई, ये तो स्मोकिंग करता है। मॉर्फीन, क्या ये ड्रग है? ये सर ड्रग्स हैं। क्विनीन, आंसर इज इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू एली लिली ने बनाया था इंसुलिन। ओके ये अगेन आ गया पेग। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि पेग का बेसिक फंक्शन क्या है, याद है आपको? पैक का बेसिक फंक्शन, वो आप मुझे नाम बताओगे जहां पर मैंने एक सेल ऐसे बनाया था और एक सेल ऐसे बनाया था और इन दोनों को मैंने फ्यूज करा दिया था। यू हैव टू टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोसेस। एक हिंट है, उस प्रोसेस का नाम शुरू होता है पी से। प्रोसेस का नाम बताओ, प्रोसेस का नाम बताओ, मैंने बताया था लास्ट कुछ देर पहले आपको। आंसर है जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। प्रोसेस का नाम बताओ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, क्या होगा? हाँ क्विनिन एंटी मलेरियल है, बिल्कुल क्विनिन इज एंटी मलेरियल ड्रग, ये सारे ड्रग ही होते हैं। वेरी गुड प्रोटोप्लास्टिज्म, बहुत अच्छा बताया आपने, इसका नाम था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इससे क्या कर सकते हो आप, इसे कोई भी एक सेल का डीएनए को, यहां एक डीएनए है, इसको ट्रांसफर कर सकते हो इस दूसरे सेल में विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर। बहुत सही आंसर दिया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, बहुत सही। ओके अगला, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बीटॉक्सिन, यस इट इज एग्जिस्ट इन एक्टिव स्टेट और जब ये जाता है इंसेक्ट के अंदर तो एक्टिवेट हो जाता है इन अगलाइन पीएच और फिर सेल को मार देता है। अगला क्वेश्चन, अ ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वंस, ट्रांसजेनिक क्या होता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए एंड रीजेनरेटिंग इन टू प्लांट फ्रॉम दैट सेल। द बैक्टीरियम बैसेथ्रोजेनेसिस इज वाइडली यूज इन द बायोलॉजी एस, क्या होगा? इंसेक्टिसाइड, इस क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं तो मैं अभी आगे बढ़ जाता हूं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। चलो, द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन टू क्रॉप प्लांट्स, बताओ मुझे। एक ही रखना, अगर क्वेश्चन होगा प्लांट्स तो यूज करोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बट अगर यही क्वेश्चन होता है एनिमल्स तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा रियो वायरस या रेट्रो वायरस। ध्यान रखना ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करोगे। ये एक मिला ना इनकॉग्निशा, ये एक नेमेटोड है और इसको कैसे ट्रीट किया गया था? बाय द सेंस एंड द एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, या फिर साइलेंसिंग आ सकता है, ऐसे आने भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो, अ जेनेटिक डिफेक्ट एडीए डेफिशिएंसी वाज क्योर परमानेंटली बाय बाय इंसर्टिंग द एडीए का जीन्स, बट किस स्टेज में? आप जो एडीए जीन्स है वो कहां डालोगे? माय ऑप्शंस आर यू पुट द एडीए जीन्स इनटू ब्लड में डालोगे या बोन मैरो में डालोगे, ब्लड में डालोगे या बोन मैरो में डालोगे? आंसर इज यस इट इज इन
बोन मैरो, नॉट इन ब्लड, ताकि जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वहां पर फायदा हो जाए. अच्छा, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्री. क्या है वो? आंखें चौंधी आ जाएगी, कितनी बार समझाऊं, इट इज गोल्डन राइस. गोल्डन राइस. द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर वेक्टर फॉर इंड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट टू ह्यूमन लिम्फोसाइट्स. जैसे ही आ गया एनिमल, आंसर ही चेंज हो जाएगा. क्या होगा आंसर इसका? द मोमेंट इट बिकम्स अ एनिमल, द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल. यू हैव टू मार्क ओनली वन थिंग एंड दैट इज अ रियो वायरस. ठीक है. यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन. क्या होगा? इट इज पायरेसी, बायो पायरेसी. जैसे म्यूजिक पायरेसी होती है, भाई किसी एक बड़े सिंगर ने से फिर म्यूजिक डायरेक्टर ने किसी और की म्यूजिक के ऊपर अपना अपना गाना गा दिया, पायरेसी हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसेसिंग द सेफ्टी फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्या है ये? डेड लाइन है एनसीआरटी का. यस इट इज जियाक, इट इज जियाक. अ न्यू वैरायटी ऑफ द राइस वॉज पेटेंटेड बाई फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट रिलेट्स टू, क्या होगा आंसर? इट वॉज बासमती. तो हुआ क्या था, आपको याद अगर आ रहा हो कि अराउंड 1997 के अराउंड बासमती राइस को यूएस ने पेटेंट कर दिया था. इवन दो इंडिया उसको ग्रो कर रहा था, बट यूएस ने पेटेंट कर दिया था उसको. उसने क्या हुआ कि अगर इंडिया उस राइस को ग्रो करता तो इंडिया को पेमेंट देना पड़ता यूएस को. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सोनारा मतलब सरबती सोनारा और जो सर्वा रोजो है, लर्मा रोजो है, ये दोनों, ये वाला और ये दोनों क्या है? क्या ये राइस है? नहीं, ये वीट है, ये राइस है. ठीक है, इसका आंसर है बासमती. 45. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन, याद रखना इसमें पी आ गया और यहां पी आ गया. अब इसमें एक और पी है, वो क्या होता चाहिए? प्रिजर्वेशन. क्या है ये? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. द काइंड ऑफ थेरेपी गिवन इन 1990 टू अ 4 year ओल्ड विथ ADA, क्या किया था? जीन वॉज इंसर्ट, हुज जीन? ADA जीन को इंसर्ट किया गया था टू क्योर अ डिजीज कॉल्ड स्किड. इसे कहते हैं जीन थेरेपी. कीमोथेरेपी क्या होता है? जब आप ड्रग्स देते हो, मतलब दवाइयां देते हो. ड्रग्स मतलब वो ड्रग है जो ड्रग लेते हैं, दवाई. ठीक है ना. इम्यूनोथेरेपी मतलब यहां पर आप देते हो एंटीबॉडीज देते हो. और रेडिएशन थेरेपी मतलब जहां आप रेडिएशन देते हो. तो अगर आप ड्रग्स ट्रीट कर रहे हो तो कहोगे ड्रग्स से ट्रीट कर रहे हो तो कीमोथेरेपी कहलाएगा. अगर आप एंटीबॉडी से ट्रीट कर रहे हो तो इम्यूनोथेरेपी कहलाएगा. और अगर आप रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर रहे हो, रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर रहे हो, उससे आप करते हो रेडियोथेरेपी. ओके, रेडियोथेरेपी. अच्छा, द फॉलिंग ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मेलाना इनकॉग्निशिया. कहां इन्फेक्शन होता मेनली? क्वेश्चन इसमें इमेज बनाई हुई है, इट इज टोबैको का रूट. बिल्कुल सही, टोबैको का रूट में इन्फेक्शन हो रहा था. ठीक है. अच्छा, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन आर जॉइंट बाई, याद है ऐसे बनाया हुआ था एक, और सेकंड कैसे बनाया हुआ है? एक इस तरह का. और ज्वाइन कैसे किया गया है, याद होगा आपको? ज्वाइन बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड, ऐसे करते. दे आर ज्वाइन बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड, इस तरह से. ठीक है, आंसर क्या होगा? इट इज डाई सल्फाइड बॉन्ड. द गोल्डन राइस, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, आंखें चौंधिया आ जाएगी. अब तो आपको याद भी हो गया, पढ़ने जरूरत ही नहीं है. इट इज विटामिन ए. लास्ट क्वेश्चन, सब लोग आंसर करोगे, जितने लोग देख रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन आ गए, हम 100 क्वेश्चन हो गए भाई साहब. इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व्स व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए टी है मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियस. प्रिजर्वेशन होगा. ठीक है, प्रिजर्वेशन होगा. यस, ठीक है. सो आई थिंक दिस वॉज अ क्वाइट यू नो इंटरेस्टिंग सेशन, जहां पर हमने 100 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व किए. और मुझे ऐसा कि लास्ट में बच्चों ने बताया था कि बहुत सारे बच्चों का 100 में से 90 के ऊपर सही सही हो रहा है. बहुत अच्छी बात है.
बस एक चीज देखना कि जो आपकी गलतियां हो रही है, जो 8-10 जो गलतियां हो भी रही होंगी, या फिर गलती अगर दो भी गलती हो रही है, एक गलती हो या फिर 10 गलतियां हो रही है, 20 गलतियां हो रही होगी, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को यह देख लेना कि आपने क्या ये टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फटाफट उस टॉपिक को पढ़ लो। और अगर आपका ये चैप्टर अगर वीक है, अगर आपका ये चैप्टर वीक है, तो आप क्या करो, आप इसका वीडियो जो कि आपको इसी चैनल में मिल जाएगा उसको 100% देख लेना। ये जो पूरा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, इसका जो पीपीटी है या पीडीएफ है, वो अभी आपको 5 मिनट के अंदर आपको उड़ान के रैपिड रिविजन टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको कंफ्यूजन भी रह जाए वहां से आप इसको फटाफट देख लेना। ठीक है, इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो देखो 1.5 घंटे में हमने आराम से कम 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी यू नो अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वेरी श्योर कि इस तरह से हम आगे भी जितने यूनिट्स पढ़ रहे हैं सबको पढ़ेंगे। आपको बेस्ट विशेष अपकमिंग नीट के लिए, खूब पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अपने माता पिता और अपना खुद का जो नाम रोशन करना है आपको। ठीक है, चलो टेक केयर। वापस हम आपसे बात करेंगे इन सम अदर वे, मतलब एक अलग YouTube वीडियो के थ्रू आपसे बात करेंगे कैसे पढ़ाई करनी है आने वाले दिनों में, बट मोर इम्पोर्टेंटली अभी पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है, चलो टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।